हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ दिल्ली वाले घर की। यहाँ पर हम आ तो गए थे कल, उसके बाद आज सुबह से साफ सफाई में लगी हुई थी तो कोई वीडियो नहीं बनी, और अभी मैंने बनाई है साफ सफाई वगैरह सब करने के बाद। लेकिन अब पता चल रहा है कि बच्चों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। जहाँ भी बैठी हूँ बस मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है फिर से वापस घर चली जाऊं, बट मजबूरी है अभी। चलो मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी जब खाली हो ही गई हूँ तो मैं छत पे आपको घुमा कर ले आती हूँ। हमारे ऊपर छत से दिखाई देती है कुतुब मीनार, बिल्कुल पास में ही है। वैसे भी आज सुबह मॉर्निंग से क्या हो रहा है कि सुबह से रेन स्टार्ट हो गई है, सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है और अब तक कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है। और अभी टाइम भी 4:35 हुए हैं, और लेकिन बाहर निकलकर मैंने देखा तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इवनिंग टाइम हो गया है, 6:30 हो रहे हैं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। चलो मैं आपको थोड़ा व्यू ऊपर का दिखा कर लाती हूँ, चलो फिर चलते हैं। तो मैं उठा लेती हूँ अपना मास्क, क्योंकि रास्ते में कोई भी मिल सकता है। मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। चलो मैं स्लीपर पहन लेती हूँ, लॉक तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी देर में ही आने वाली हूँ, तो इतनी देर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं, कोई घर में घुसेगा तो नहीं। देखिए यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, घने घने बादल और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। और इधर ही मैं अभी थोड़ा आ जाती हूँ, यहीं है, ये सामने दिख रही है कुतुब मीनार, बाद में दिखाती हूँ। अभी पहले मैं आपको इधर से दिखाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे देखो कितने घने काले बादल, वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर वो वाइट वाइट लंबी सी लाइन दिख रही है। और यहाँ बाउंड्री पर 2 मिट्टी के बाउल्स चिपकाए हुए हैं जिससे कि कोई भी पिजन वगैरह कोई भी पक्षी आए तो पानी पी ले। और साइड में ही हमारी बिल्डिंग के ये भी प्लांट्स लवर हैं, ये भी अपनी छत पर कुछ ना कुछ उगा कर रखते हैं हमेशा। यहाँ पर हरा भरा ग्रीन ही दिखता है। हाँ अभी भी हो रही है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, मौसम देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और दिल्ली में आपको देखने को एक स्पेशल चीज़ मिलेगी कि दिल्ली में टैंकों के ऊपर हमेशा ये लोहे वाले जो टोकरे होते हैं जिनसे चारा डालते हैं गांव में, उनको टैंक के ऊपर फिक्स करा के रखते हैं। इसके 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो बंदर नहीं उखाड़ के फेंकता है, और प्लस दिल्ली में पानी चोरी बहुत होता है, उससे भी बच जाते हैं। और आप अभी देख ही सकते हैं कि अभी भी बादल कितने घने हो रहे हैं, बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं। इसका मतलब है अभी बारिश कंटिन्यू होने वाली है, पूरी रात भी होगी, शायद नेक्स्ट डे भी होगी, अभी कुछ पता नहीं है मौसम का। और यहीं हमारी छत पर भी है कुछ प्लांट्स, ये पपाया प्लांट है, ये हरी मिर्ची का हेल चल रही है काफ़ी लंबी अच्छी हरी भरी, ये तुलसी हैं 2, और ये हरी मिर्ची। चलो इधर दिखाती हूँ मैं, ये सदाबहार, इस पे तो हमेशा बहार ही रहती है, पिंक फ्लावर। और बाकी ये वो भी कुछ प्लांट्स रखे हैं जिनका मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये प्लांट मैंने नहीं लगाए हैं ना, किसी और ने लगा कर रखे हुए हैं। और चलो फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ अब मीनार, ये रही। थोड़ा मैं इसको जूम कर देती हूँ, इतने पास तक इतनी अच्छी दिखाई देती है, दिन में ऐसे दिखाई देती है, लेकिन रात में तो इसमें लाइटिंग ऑन हो जाती है ना, तो क्या सुंदर कुतुब मीनार दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा। और देखिए साथ में ही एरोप्लेन भी आ चुका है, मैं बोल रही थी ना एयरपोर्ट बहुत पास ही है, तो एयरक्राफ्ट जाते रहते हैं यहाँ, हर 5 मिनट में एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, हर 5 मिनट में एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। मैं जब तक छत पर रही ना, 10 से 15 मिनट मैं ऊपर छत पर रही और एयरक्राफ्ट तब तक आ गए थे मेरे साथ। और इधर मेट्रो ट्रेन भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये जा रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये इस
ये इधर स्टेशन है ना, अंदर स्टेशन को तो कवर करके रखते हैं, उसके अंदर चली जाती है। हर 5 मिनट में मेट्रो भी आती जाती रहती है। और देखो मेट्रो दिखाई, अब एरोप्लेन फिर से आ गया। एक बार मेट्रो, एक बार एरोप्लेन, यहाँ पर तो आवाज़ आती रहती है प्रॉपर, एरोप्लेन की भी और मेट्रो की। और मैं आ गई हूँ अब नीचे। ऊपर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम मज़ेदार। और अभी मैं थोड़ी देर ही खड़ी हुई थी वहाँ पर ऊपर छत पर, और उसी बीच में 3 एरोप्लेन मेरे सामने सामने मेरे सामने से गए हैं। यहीं पे पास में एयरपोर्ट है ना। पहन लिया मैंने एप्रन, और एप्रन पहनते ही आप समझ ही गए होंगे मैं जाने वाली हूँ किचन में। किचन में मुझे थोड़ा सा काम, एक तो थोड़े से बर्तन साफ करने हैं, और उसके बाद मैं अभी ऊपर से होकर आ रही हूँ। तो अब मुझे बाहर का वेदर बहुत अच्छा लग रहा है, उसे वहाँ ठंडी ठंडी हवा लेने के बाद मेरा भी मन कराया। वैसे मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, हस्बैंड होते हैं तो 2-3 चाय बन जाती हैं, तो मैं भी साथ में लेती हूँ। और अगर वो नहीं घर पे होते तो फिर मैं चाय बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल एक कप भी बाद में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है चाय में कि मुझे चाय चाहिए। किसी किसी को तो होता है कि हाँ चाय का टाइम हो गया, इवनिंग टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी ऊपर से होकर आ रही हूँ तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी सी चाय भी ज़रूर बनाऊँगी। अभी चाय बनने के लिए दिए रख, इधर बन रही है मेरी चाय। तो फ्रेंड्स मेरी तो बनने लग रही है चाय, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको चाय पीना पसंद है या फिर कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, प्लीज़ कमेंट मी। अब मैं ले लेती हूँ अपना कप, बिग साइज, ये रहा मेरा कप, चप कप कप। तो ये आई हमारी चाय की छलनी, और इसमें इस कप में जाएगी चाय। चाय को अब देते हैं, ये रही हमारी चाय, गर्म गर्म चाय। It's so hot. अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी मेरे लायक नहीं है।